वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। सो मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हो गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। यस्टरडे व्हेन आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम तो मुझे एकदम से ख्याल आया काफी सारे आप लोगों के कमेंट्स देख के कि आप लोगों को लूटिन में अकोमोडेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए, जबकि मैंने काफी सारी वीडियोज पहले बनाई हुई है सेम अकोमोडेशन के टॉपिक के ऊपर। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट गिव दिस वीडियो अ डिफरेंट ट्विस्ट। यू माइट आस्क व्हाट दैट ट्विस्ट इज। दैट ट्विस्ट इज साइकोलॉजी। Yes, चाहे आप यूके में रहते हैं या यूके से बाहर रहते हैं, इस वीडियो के अंदर आप लोग उन सारी चीजों को टच करेंगे जो शायद आप डिस्कस नहीं करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मूविंग टू अनदर सिटी और अनदर टाउन इज अ ह्यूज डिसीजन जिसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आप रियलाइज करते हैं। सिंस आई बीन लिविंग इन लूटिन फॉर मोर देन 2 years, आई विल शेयर माई परस्पेक्टिव विद यू एंड सम ऑफ द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वन। Before I start the video, I would like to thank everyone who has recently subscribed to my channel and all the previous supporters who have been following me for a while and from the beginning of this channel's journey. Also, I appreciate all the support you have given me in my previous video and I hope ki aap log future mein bhi mujhe isi tarike se support karte rahe aur mujhe motivate karte rahe ki main isi tarike se aap logon ke samne ek achhi se achhi quality video lekar aata rahun. So without any further ado, let's dive into the video. किसी भी जगह पर मूव होते हैं तो आप पहले ये देखते हैं कि वहां पर आपके हिसाब की क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इस चीज को इग्नोर करके आप कहीं पे मूव करेंगे तो आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे जिनका आप पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसा कि मुझ पे पड़ा था। वो ये कि मैं लूटिन तो मूव हो गया ये सोच के कि यार मुझे और कहीं जगह मिल नहीं रही है तो आई थिंक आई शुड गो टू लूटिन विदाउट डूइंग प्रॉपर रिसर्च। तो लूटिन के अंदर कहां रह सकता हूं, लूटिन के अंदर कितने एरिया कोड्स हैं, कौन से एरिया कोड के अंदर क्या चीज मौजूद है, कहां पर अपार्टमेंट्स हैं, कहां पर घर बने हुए हैं, स्कूल्स कहां पर हैं, मेडिकल एक्सेस कहां पर है, बस स्टॉप कहां पर है, आई हैड नो आइडिया। मैं सिर्फ एक महीने की अपने लिए अकोमोडेशन बुक कराकर लूटिन आ गया था और फिर उसके बाद मैंने यहां पर आके अपनी रिसर्च करना शुरू की थी। एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है जो कि आपको लगता है जब आप किसी भी एक नए मुल्क मूव होते हैं तो जब आप अपनी रिसर्च करें कि आपको लूटिन के अंदर कहां पर रहना है तो आप इन सब चीजों को जरूर अपने दिमाग में रखिएगा कि जिस जगह पे भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या वो बस स्टॉप के आसपास है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी मौजूद नहीं है तो, अगर आपकी फैमिली है आपके बच्चे हैं तो क्या उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई स्कूल मौजूद है या नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है या नहीं है, कोई फार्मेसी मौजूद है या नहीं है, ग्रोसरी स्टोर, प्ले एरिया, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीजें आपको देखनी है कि आप जिस एरिया के अंदर जा रहे हैं वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि लूटिन में बहुत ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहती है तो यहाँ पर काफी सारी मस्जिदें भी मौजूद हैं। फिर उसके अलावा अगर आप सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर मंदिर भी है आई थिंक, लेकिन मैंने देखे नहीं है। इंग्लैंड के अंदर ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर काफी सारे चर्चेस भी मिलेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि लूटिन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कहां पर मौजूद हैं, लेकिन बिफोर वी डू दैट लेट मी टेल यू दैट लूटिन इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, LU1, LU2, LU3, LU4, LU5, LU6, LU7 ये भी हैं, लेकिन वो लूटिन से बाहर हैं। उन एरियाज के नाम हैं डनस्टेबल, लेटन बजर्ड और क्या नाम है मुझे याद है, लेकिन जो लूटिन के अंदर एरियाज आते हैं वो हैं LU1, LU2, LU3, LU4। इन चारों एरियाज के अंदर आपको रेंटल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। LU1, LU2 के अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये टाउन सेंटर से करीब है। LU1 के अंदर टाउन सेंटर है जहां पर काउंसिल ऑफिस, मॉल, सिनेमा, मेन बस स्टॉप, ट्रेन स्टेशन और उसके अलावा एक रिटेल पार्क मौजूद है। स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, NHS क्लिनिक्स हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। तो इस एरिया के अंदर ज्यादातर आपको स्टूडेंट कम्युनिटी मिलेगी। टाउन सेंटर के आसपास ज्यादातर आपको देसी कम्युनिटी मिलेगी। उसके आसपास जो एरियाज हैं जहां पर घर बने हुए हैं वहां पर आपको अंग्रेज और बाकी मिक्स कम्युनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको कौन सी कम्युनिटी के साथ रहने में कम्फर्टेबल फील होगा, ऐसे लोग जो कि आपकी जबान बोल सकें, जहां पर आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि अगर आपने ये सब चीजें नहीं सोची तो इस चीज का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा जो कि आप अभी रियलाइज नहीं करेंगे, वो आप बाद में रियलाइज करेंगे, जिसकी वजह से आपको होम सिकनेस होगी, आपका दिल चाहेगा कि आप यहां से उठें और फौरन वापस अपने मुल्क चले जाएं।
तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आप पहले अपना होमवर्क कर लें और थोड़ा सा देख लें कि आपको कौन से एरिया के अंदर रहना है, और जल्दबाजी ना कीजिएगा अपार्टमेंट देखने में, अपार्टमेंट ढूंढने में। टेक योर टाइम, एंड जब आपको कोई एक प्रॉपर्टी अच्छी लग जाए तो फिर मजीद इंतजार मत करें। आपको अगर एक जगह अच्छी लग जाए, फौरन ही आप एजेंट को कॉन्टेक्ट करें, अपने लिए व्यूइंग बुक कराएं और फिर आके व्यू करके डिपॉजिट देके वहां पर रहना शुरू कर दें। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज दिखा देता हूँ जो कि लूटन में आपको मिल जाएंगी, LU1, LU2, LU3 के अंदर। LU5 और LU6 जैसे मैंने आपको बताया कि वह आउटसाइड लूटन है, लेकिन हो सकता है वहां की भी कोई प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख जाए। ये वेबसाइट है राइट मूव, जिसके अंदर मैंने सर्च किया है LU1, तो ये LU1 से स्पेसिफिक सारी आप प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जब ये वेबसाइट आप अपने पास ओपन करेंगे तो आप अपने हिसाब से फिल्टर के अंदर जो आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर दीजिएगा। चाहे आप वन बेडरूम अपार्टमेंट देख रहे हैं, आप स्टूडियो देख रहे हैं, या आप 2-3 बेडरूम अपार्टमेंट या हाउस देख रहे हैं, तो उस हिसाब से जितने भी लिस्टेड ऑप्शंस हैं यहां पर आपको दिख जाएंगे और आप अपने हिसाब से एजेंट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेम गोज फॉर LU2, LU3 एंड LU4। जब आप अकोमोडेशन देख लें, वहां पर एरिया के नाम वगैरह सब दिखेंगे आपको। आप गूगल मैप पे जाके देखें उस एरिया के आसपास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, स्कूल्स हैं या नहीं है, ग्रोसरी शॉप मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि रात के 5-6 बजे के बाद सर्दियों में अंधेरा हो जाता है। तो जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद वाकई ऐसा लगता है कि पूरा शहर सो गया है, अनलेस यू आर लिविंग समवेयर जहां पर रश होता है, जैसे टाउन सेंटर हो गया, बरी पार्क हो गया, कोई रिटेल पार्क हो गया, तो इन जगहों पे जनरली रश रहता है, लोगों की चहल पहल होती है, तो इस वजह से यहां पर एज सच फील नहीं होता। या तो फिर कोई सुपर स्टोर, सुपर मार्केट के पास अगर आप रहते हो तो वहां पर भी आपको ऐसा फील नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप किसी घर वाले एरियाज के अंदर रह रहे हैं जहां पे बिल्डिंग्स नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा माहौल सुनसान हो जाता है, क्योंकि अभी सनसेट हो चुका है और जबकि 4:30 बज रहे होंगे या 4:45 बज रहे होंगे, लेकिन इस वक्त आप पार्क का माहौल देखें, यहाँ पे रात में बंदा आ नहीं सकता। Before moving to Luton, I had this perception कि Luton is not a safe town, but I still took this decision क्योंकि मुझे इससे सस्ती प्रॉपर्टी उस वक्त कहीं नहीं दिख रही थी। अब Luton भी थोड़ा सा cost of living की वजह से expensive होना शुरू हो गया है, तो तब मेरा ये perception था कि Luton safe नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मुझे यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि Luton is actually very safe to live। यहाँ पर सारी की सारी चीजें मौजूद हैं, ये लंदन से बहुत करीब है। इसके साथ साथ अगर आप हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर आप कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब आप अपने लिए अकोमोडेशन बुक कराएं, इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा, सो दैट यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन फॉर योरसेल्फ। बिकॉज वंस यू बुक अ प्रॉपर्टी, वंस यू स्टार्ट लिविंग देयर, यू विल हैव टू स्टे देयर फॉर द एंटायरिटी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई मूव्ड इन दिस अपार्टमेंट थिंकिंग दैट आई विल प्रोबेबली लिव हियर फॉर अ ईयर और सो, बिकॉज आई थॉट दिस वॉज एक्सपेंसिव, बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर ईयर मुझे फिर ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि दिस अपार्टमेंट इज सो मच बेटर देन the other apartments which are listed online when I was actually looking for another apartment to move। थोड़ा सा मैं सस्ता देखना चाह रहा था, क्योंकि मैं पहले जिससे भी मिलता था वो मुझसे बोलता था कि यार मैं तो घर में रहता हूँ, मैं 700 पे कर रहा हूँ पूरे घर के, इट्स अ 3-bedroom हाउस एंड आई एम गिविंग £1,025 फॉर 1-bedroom अपार्टमेंट विच हैज बैल्कनी, बट समटाइम्स इट स्टिल फील्स के यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, बिकॉज वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, हमारे पास सामान बहुत है तो हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी थिंक दैट दिस इज स्मॉल। इसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। द गुड थिंग विल बी टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर यू मूव टू एनी सिटी एनी टाउन। आई होप विद दिस वीडियो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच दीज वीडियोज, क्योंकि मैंने इनके अंदर एक्सटेंसिव डिटेल के अंदर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और फैमिलीज के पर्सपेक्टिव से अकोमोडेशन की बात की है। लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप लोग के लिए इजी एक्सेस हो जाए। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल होगी और आप लोग उन चीजों के बारे में सोचेंगे जो शायद आप यहाँ पे मूव होने से पहले नहीं सोच रहे थे, और शायद अब आप अपनी रिसर्च थोड़ी सी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से करेंगे, जिसका बेनिफिट होगा आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में।
If this is the first video that you're watching on my channel, please make sure to subscribe to this channel. मैं इसी तरीके से लाइव examples के साथ, लाइव locations के साथ आप लोगों के लिए और मजीद videos बनाता रहूंगा एंड होपफुली आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ी सी आसानी और होती रहेगी. मेरे बाकी सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया एंड प्लीज कंटिन्यू योर सपोर्ट, इट मोटिवेट्स मी अलॉट. मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग रखिएगा अपना ख्याल. मुझे कहते हैं उसामा सिद्दीकी एंड दैट्स हाउ आई डू माय थिंग.